कौन है तुम लोग? सर 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 हम क्यों पीछा कर रहे हो? सर 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 हम सीआईडी ट्रेनिंग से हैं। सीआईडी ट्रेनिंग? किसने किसने भेजा? डीसीपी चित्रोली ने कहा। जी सर, उन्होंने हमसे कहा था कि छिपकर वो सब रिकॉर्ड करो जो आप सर केस की जांच के दौरान करते हैं। पर आपने हमें पकड़ लिया। छिपकर हमारी रिकॉर्डिंग करने के लिए कहा था। क्या करते रहते हैं सर डीसीपी साहब? उठपटांग हरकतें करते हैं। शोभा देता क्या ये इनको? सर, अभी तक इन लोगों ने हमारे ब्यूरो में आने की रिकॉर्डिंग की, इस टेप में और कुछ नहीं। वो सर, एक्चुअली डीसीपी सर को आप लोगों पर शक है। हमारे ऊपर शक है? जी 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 सर। कैसा शक? इससे पहले वो कुछ बताते, उन्हें किसी ने शेर का दांत भेज दिया और वो खोजकुरी के जंगलों में चले गए और हम यहाँ आ गए। डीसीपी साहब खोजगुरी के जंगल में गए, हमें तो बताया नहीं उन्होंने। बहुत बड़ी बात हुई लगती है, सर भी बहुत परेशान लग रहे थे। अच्छा, कैमरा। सर क्या है? अगर हमें हमारा वीडियो कैमरा मिल जाता तो हम अपना काम जारी रखते। जी सर, वरना डीसीपी सर हमसे नाराज हो जाएंगे सर, और हमारी ट्रेनिंग भी बंद हो जाएगी। प्लीज प्लीज सर। ठीक है, पूर्वी कैमरा दे दो इन्हें। थैंक यू सर। थैंक यू सर। अभिजीत, ये कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। डीसीपी चित्रोले हमसे कुछ तो छुपा रहे हैं। क्या खोजगुरी के जंगल में जाकर देखना पड़ेगा? इधर चलते हैं। पता नहीं डीसीपी सर इस घने जंगल में क्या करने आ गए, और हमें भी साथ में। यह सर, थोड़ी देर में रात हो जाएगी और उसके बाद जंगल और भी खतरनाक लगेगा। अरे ओके सर, वो कह रहा है कि रात हो जाएगी सर। तो मेरे हिसाब से सबसे सेफ्टी के लिए हमें यहीं से वापस चले जाना चाहिए सर। नहीं, आगे चलेंगे। तुम सबका ध्यान रखो, अंधेरा हो गया तो वापस चलो। अरे तो फिर आते क्यों? अरे पंकज संभल के। पंकज, ये पानी की बोतल क्यों लाया तू? अरे ये पानी की बोतल है ना, ये लाइफ सेवर है। कितना चलना पड़ेगा कुछ पता नहीं है, और डर के मारे मेरा मतलब है कि चलते चलते गला सूख गया तो पानी पीना पड़ेगा ना। चलो संभल के। क्या करना? काम ऐसा करो कि बार बार सॉरी बोलने की जरूरत ना पड़े। कुछ सीखो मुझसे। ठीक है, ये अपना काम ही कर रहा था। सॉरी सर। चल सर। सर सर सर, एक सिप मुझे दीजिए ना। श्योर। थैंक यू। अच्छा क्या है, खुद का लेके आने का ना? एक सिप सर। सर दे दीजिए ना। एक सिप। थैंक यू। बस सर, एक घूंट मैं भी पी लूं। ये लो। थैंक यू सर। बहुत बड़ा दिल है आपका। पंकज। अरे आपके लिए। थैंक यू। मैं बस करिए। थैंक यू। क्या थैंक यू, एक ही सिप तो बचा है। पंकज हमसे नहीं पूछोगे क्या? अरे सर लीजिए ना सर, आप ही का है। एक काम करो, इसको संभाल के रख दो,
मेरा है, मैं कभी भी मांग सकता हूँ। जंगल के बीचों बीच स्टैंड क्या कर रहा है? अरे मुंह में क्या घुस रहा है? बंदूक है, शिकारी लगता है। सर शायद शायद डीसीपी सर इन्हें ही पकड़ने आए होंगे। देखते हैं। चिड़िया मारने की बंदूक लाए हो क्या? शेर मारने की बंदूक नहीं मिली? एलएमजी एसएलआर सेल्फ लोडिंग राइफल AK-47-56 कोई नहीं मिली? पुलिस आई पुलिस। वो शिकार कर रहे थे, मैं तो उनके साथ में आया था। शिकार कर रहे थे? अरे ट्रंक में क्या है? ये क्या है? बैग में क्या है? यहाँ पे ये उनका ट्रंक, ये बैग मेरा। क्या है बैग में? क्या है? मैं भंगार वाला हूँ, यहाँ जंगल में जो सामान मिला था वो है। ले जाओ इसको बिना मेरा बैग, मेरा बैग। अरे हाँ जी पंकज जी, चलिए लाइए पानी पिलाइए। सर वो पानी तो सर वो फायरिंग हो रही थी ना सर, तो वो बोतल का ढक्कन खुल गया सर और पानी गिर गया सर। कहाँ गिर गया? पेट में? हाँ मैं बेकसूर हूँ साहब, मैं निर्दोष हूँ सर, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो सर। सर वो जो सारा सामान है ना, वो मैंने जंगल में से भंगार जमा किया, मेरा है। आपको जो भी चाहिए वो ले लो, किससे पूछने की जरूरत नहीं है, वो सब मेरा है। लेकिन मुझे छोड़ दो साहब। चुप! जंगल में गैर कानूनी तरीके से जानवरों को मारते हो और कहते हो तुम निर्दोष हो। कौन मारता है? मैं पहली बार शिकार पे गया था, वो जंगल में मैं वहां भंगार जमा कर रहा था, वो लोग मिल गए, बोला चल एडवेंचरस लाइफ है। काहे कि आपने पहली बार में पकड़ लिया। डीसीपी चित्रोले कहाँ है? चित्रोले? कौन चित्रोले? सर मैं इस नाम के किसी आदमी को नहीं जानता, कसम से। हा? ये ऐसे नहीं मानेगा सर, मैं अभी तीन बड़े बड़े डंडे लेकर आता हूँ।
फिर इसे उल्टा लटका कर इससे बात करेंगे। अरे सर कहाँ डंडे? अरे सर मैं दूसरा कुछ कर लेता हूँ सर, मैं मुर्गा बन जाता हूँ सर, सर मैं उठबैठक कर लेता हूँ सर, मैं सर एक मिनट। हाँ क्या मिला पूर्वी? सर इस बैग में तो सिर्फ इसके कपड़े हैं, लेकिन ये ट्रंक में बहुत कुछ है। ये हैंडीकैम और ये बॉक्स। सर ये बॉक्स तो वही है जो डीसीपी चित्रोले सर के पास आया था। और ये? और सर ये दांत भी। ये दांत डीसीपी चित्रोले का है? नहीं जी सर, ये शेर का दांत है। बात तो एक ही है। ये दांत तुम्हारे पास कहां से आया? कैसे आया? मेरे पास नहीं आया सर, ये उन लोगों का है, वो पता नहीं कहां से लाया, उन लोगों को मालूम होगा इसके बारे में। ये कैमरा ये किसका है? ये कैमरा किसका है पता नहीं है, लेकिन ये मिला मेरे को था वहां जंगल में, पड़ा हुआ था सर, कसम से। हमारी तैयारी चल रही है। ये क्या है? हमारी तैयारी चल रही है और हम बहुत ही एक्साइटेड है अपनी प्लानिंग को लेकर। ये है मानव। हाय। और ये है विक्रम। हाय। अरे तुम लोग क्या कर रहे हो? ऐसे जानवर भी यहाँ मिलते हैं। विक्रम वहाँ कोई है। लगता नहीं है सर इन तीनों में से कोई जिंदा बचा होगा। अभिजीत क्या हुआ होगा इन तीनों के साथ? जंगल में जाके फिर से पता लगाना पड़ेगा। सर इतने घने जंगल में कैसे पता चलेगा कि कहां लगाया होगा उन तीनों ने अपना टेंट? ये बताएगा ना जहां से इसे कैमरा मिला था उसके आसपास कहीं होगा टेंट। मुझे सारा जंगल एक ही जैसा लग रहा है सर, मेरे को नहीं याद आ रहा, मुझे छोड़ दो ना प्लीज। अरे सर ऐसे आसानी से तेरे को नहीं छोड़ेंगे। चुपचाप चल और बताओ जगह कहाँ है। मेरे को जबरदस्ती। अरे छोड़ो तो सी सर। क्या हुआ? मैडम मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही, मतलब मेरे को बिल्कुल याद नहीं आ रहा कहाँ कहाँ मिला था कैमरा। मैं सही कह रहा हूँ सर प्लीज। अंकल कैब देने जरा। इधर ही चलते हैं। अरे सर मेरे को जाने दो ना सर, मैंने कुछ नहीं किया। एक मिनट छोड़ो सही।
हाँ सर, ये यही लग रहा है, खुला खुला टाइप था, मतलब मेरे बिल्कुल लग रहा है कैमरा यहीं कहीं मिला था। सही में हाँ, बिल्कुल बिल्कुल यही है। कभी बोलता है ये रास्ता नहीं है, कभी बोलता है वो रास्ता नहीं है, नहीं यही रास्ता है। हमें पागल समझ कर रखा क्या? जंगल में इतने खतरनाक जगह से लेकर आ रहा है। जान बचाने के लिए मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं शिकारी विकारी नहीं हूँ, मुझे जाने दो, डर लग रहा है, छोड़ दो। अरे डर तू, डर जब तक हम लोग यहाँ पर, तब तक डर, तेरा कैमरा तोड़ दूंगा मैं। ना यहाँ पे कैंप है, ना बोन फायर है, कुछ भी बोल रहा है। सर आप ढूंढ लो ना सर, मेरे को जाने दो ना सर। व्हाट अबाउट विक्रम? पीएनसी कॉलेज, लगता है ये बॉटल उन तीनों लड़कों में से एक है जो वीडियोग्राफी कर रहे थे। पूर्वी, ब्यूरो में फोन करो, बताओ हमें एक वाटर बॉटल मिली है जिसपे पीएनसी कॉलेज लिखा है और विक्रम लिखा है। सर चित्रले सर का यहाँ होने का कोई सुराग नहीं मिल रहा सर, नहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं क्या? पिया, मानो विक्रम यहाँ। सर मैं इन्हें जानता हूँ, ये हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स थे। स्टूडेंट्स थे मतलब? 3 हफ्ते पहले इनकी कार खाई में गिर गई थी, इस हादसे में पिया और मानव की डेथ हो गई। विक्रम तो बच गया लेकिन उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं रहती है। आप लोगों को गलत जानकारी मिली थी, इन दोनों की मौत खाई में गिरने से नहीं हुई। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? जहाँ ये हादसा हुआ था वहां से हमें फोन आया था, वहां पुलिस भी थी। प्रिया और मानो की लाश मिली आपको? नहीं सर, उन दोनों की हमें लाश नहीं मिली, क्योंकि कार खाई में कहाँ गई इसका पता पुलिस को भी नहीं चला। अब इनके घर वालों को यहाँ पे बुला सकते हैं? व्हाई नॉट सर, जरूर आप उनको फोन करके बुलाइए कॉलेज में। जी सर। सभी लोग पास में ही रहते हैं, जल्दी ही आ जाएंगे। ठीक है। क्या उनके घर वालों को भी लगता है कि उन तीनों का एक्सीडेंट हुआ था? बिल्कुल मैडम, शक की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। शक नहीं, सच्चाई यही है प्रिंसिपल साहब, ये एक्सीडेंट नहीं, ये खून है। फिर पुलिस ने हमें ये क्यों कहा कि एक्सीडेंट हुआ था? वो तो हम पता कर लेंगे। आप ये बताइए कि मानव, पिया और विक्रम, इनका किसी के साथ कोई झगड़ा, कोई दुश्मनी थी? किसी पे शक है जो इन पे हमला कर सकता है? नहीं सर, तीनों बहुत ही अच्छे बच्चे थे, अपने काम से काम रखते थे, कभी किसी फालतू चीजों में नहीं पड़ते थे वो। सर क्या हुआ? सर आपने बुलाया हमें? हाँ, ये बीना जी हैं, पिया की मम्मी, ये सम्राट मानो के बड़े भाई, और आप लोग सीआईडी से हैं। नमस्ते, हमें पिया और मानो के बारे में कुछ पूछताछ करनी है। सर हमारा तो सब कुछ लूट गया, कहने सुनने के लिए कुछ बाकी ही क्या है? बीना जी अभी बहुत काम बचा है, हमें आप लोगों के बच्चों के खूनी को उसके अंजाम तक पहुंचाना है, उन्हें सजा दिलाना है। क्या कह रहे हैं आप? मानव और पिया का खून हुआ है, लेकिन हमें खबर मिली थी कि झूठी खबर मिली थी आप लोगों को, उन दोनों का खून हुआ है। मुंबई के पास एक जंगल में उन दोनों का खून हुआ है, ये देखिए। ये सब कैसे हो सकता है? इनके अलावा ये भी? क्या मतलब, कौन, किसकी बात कर रहे हैं? ये खोपड़ी वाला चेहरा और ये बच्ची फुटेज में कैसे आई? आप इस आदमी और इस बच्चे को जानते हैं? सर ये
खोपड़ी वाला आदमी तो बिल्कुल वैसे ही जैसे इस वीडियो में। मगर ये बच्ची अलग है, ये वो बच्ची नहीं है जो फुटेज में है। हाँ सर। लेकिन सर हमारा ये ड्रामा सच कैसे हो सकता है, वो भी मुंबई के पास किसी जंगल में? मगर सच हुआ है यार, इस ड्रामा ट्रूप पे जितने भी लोग हैं हम उन सब से मिलना चाहते हैं। और हाँ, उस विक्रम को भी बुलाइएगा। जी सर। आप सामान की तरह क्या खींच रहे हो, मुझे थोड़ा आराम से, मैं स्लिप हो जाऊंगा। मैं स्लिप हो जाऊंगा, मुंह बंद करो, चुपचाप चलो यहाँ से। इतना सा तो रास्ता, मरवाओगे आप मुझे कसम से। सर ये क्या है? अरे बात मत लगाना। क्यों? वो नाराज हो जाएंगे। कौन? डीसीपी चित्रोले? वो अभी उनका नाम लेना ठीक नहीं है, वो बुरा मान जाएंगे। अरे कौन बुरा मान जाएगा, बोलना क्या पका रहा है? अरे रात में उनकी ताकत बढ़ जाती है। मैं दिन के उजाले में आपको सब बताऊंगा। डिटेल में इधर आइए। सर ये सब क्या है और कौन था यहाँ पर? सर मेरे को ऐसा लग रहा है मैं कुछ गलत रास्ते पे ले आया हूँ आप लोगों को। मुझे याद आ रहा है, कुछ और याद आ रहा है मुझे। मुझे आगे खतरा लग रहा है, रास्ता कोई और है, मैं भटक गया हूँ। सही में सर मुझे लग रहा है गलत है सब। आगे सही कह रहे हैं आप। जरा इधर आओ प्लीज, जरा आगे चलो। अबे मुझे पहले क्यों नहीं बोला, मुझे पहले क्यों नहीं बोला? मैं इधर आता नहीं तुम्हारे साथ। यार आपके साथ बोलने का दे रहे, आगे चलो तो करते जा रहे। आगे चलो, हो गया तुम लोगों का। आगे चलो आगे। आप लोग ड्यूटी पे हो, मैं फ्री में मर जाऊंगा भाई, कसम से यार मत धकेलो ऐसे। आप किस सर को बोलो, बेकार में मर जाएंगे सब, मैं कह रहा हूँ। अरे कुछ नहीं होगा, चलो। क्या नहीं होगा? सर 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 मुझको भी थोड़ा डर लग रहा है सर, मैं ये रुक जाता हूँ यहाँ पे। सर 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 मैं बाल बच्चे वाला आदमी हूँ सर। सर मैं शिकार का नाम तक जुबान पे नहीं लाऊंगा, मरना नहीं चाहता सर। ठीक है, तुम और तुम नाम के शिकारी तुम लोग यहीं रुको, हम लोग आगे देखते हैं। थैंक यू सर, आपका ये आइडिया बहुत अच्छा है सर। मैं यहीं पे रुकता हूँ दोनों के साथ में सर। ये भागने वाला है सर, मैं इसको पकड़ के रखता हूँ, आप टेंशन मत लो। नहीं तुम टेंशन मत लो, ये कहीं नहीं भाग के जाएगा। ये तरुण है ना, इस पे नजर रखना। जी जी। तुम चलो हमारे साथ चलो। सर आप संभालना सर, आप बहुत जोशीले हो, मर जाओगे आप, मैं बता रहा हूं। आगे लग गया, यहां वहां हाथ मत लगाना। कुछ भी बोलता है, गो गो। तो आप भी हैं इस नाटक में? जी सर। अरे वाह, वेरी गुड, हम आपसे बाद में बात करेंगे। निखिल सर बच्चे को ले जाओ। आ जाओ जी बेटा, मैं आपको अच्छी सी चॉकलेट खिलाता हूँ और एक अच्छी सी कहानी सुनाता हूँ। ओके, तो नाटक करते करते सच में अपने दोस्तों को मार दिया तुम लोगों ने? नहीं नहीं सर, हम ऐसा क्यों करेंगे? हाँ सर, हम खून करने की एक्टिंग कर सकते हैं, मगर किसी का खून नहीं कर सकते। हो सकता है आपस में कोई बहस हो गई हो और एक्टिंग करते करते तुमने एक्टिंग को सच में बदल दिया। नहीं सर, पिया और मानव को मारने के बारे में तुम सोच भी नहीं सकते, वो दोनों हमारे बहुत अच्छे दोस्त थे। ठीक है, दोस्त एक दूसरे का खून नहीं कर सकते? नहीं सर, ये लोग ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि जिस दिन माना और पिया के मौत की खबर आई थी उस दिन ये लोग पूरे समय मेरे साथ मेरे ऑफिस में ही थे। हम लोग एक नया प्ले शुरू करने के लिए बातचीत कर रहे थे। वो तो हम पता कर ही लेंगे कि इस खूनी खेल में किसका हाथ है।
और वो विक्रम वो कहाँ है, उससे भी बात कर लेते। माय गॉड, एक एक मिनट। वो आदमी सही कह रहा था सर, ये किसी आदमी का काम नहीं है सर, ये किसी आत्मा का काम है। क्या बकवास कर रहे हो, आत्मा कुछ नहीं है, ये किसी आदमी का काम है जो लोगों के दिलों में आत्मा का डर पैदा करना चाहता है। सर ऐसा लगता है कि खूनी इनसे काफी नफरत करता था और बदला लेने के लिए उसने ये सब किया। देखते हैं। विक्रम बताओ तुम तीनों के साथ क्या हुआ था उस दिन? बोलो विक्रम क्या हुआ था? मर गए दोनों, मर गए। किसने मारा? मार दिया दोनों को, खून निकल दिया, दोनों को मार दिया, सबको मार देगा वो। कौन कौन मार डालेगा? मुझे कैसे पता, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कैसे पता होगा, मुझे कुछ नहीं पता। सर पता नहीं ऐसे ही क्या क्या बड़बड़ाता रहता है। मुझे कुछ नहीं पता, मैंने कुछ नहीं किया। आज तो विक्रम कुछ बोल भी रहा है। मुझे कुछ नहीं पता, जब हम बात कर रहे तो कुछ भी नहीं बोल रहा था। डॉक्टर्स का क्या कहना है इनके बारे? डॉक्टर्स ने कहा कि सदमा लगा, दवाइयां दी है, आराम करने को कहा है, शायद धीरे धीरे इसकी आदाश वापस आ जाए। सबको मार डालेगा वो, सबको, सब भाग जाओ यहाँ से, सबको मार डालेगा वो, मुझे ही मार डालेगा, सबको मार डालेगा, मुझे, मुझे। विक्रम, विक्रम शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा। तुम ये बताओ उस खोपड़ी वाले आदमी के बारे में कुछ याद है तुम्हें? खोपड़ी वाला आदमी? खोपड़ी वाला आदमी, खोपड़ी वाला आदमी, आखिर ये खूनी है कौन? लो भाई आ गए ये तारिका जी। तुम्हारे और मेरे बीच में जो भी था ना वो खत्म। कुछ पता चला आपको डॉक्टर साहब? तीनों की शक्ल बन गई है लगभग। वैसे एक बात बताऊं, इन तीनों के बारे में हमें पहले से ही सब कुछ पता है। ये लोग कौन है, इनका नाम क्या है, इनकी उम्र क्या है, इनका पेशा क्या है, सब कुछ। इतना सब कुछ पता चल गया आपको? सुबह से कोई और मिला नहीं था क्या मेरे अलावा? नहीं नहीं, वो क्या है ना, हम लोग तो सुबह से टाइम पास कर रहे थे, हमारे पास तो कोई काम ही नहीं है ना। अच्छा आप लोगों ने खोपड़ियां दे दी।
तारिका, इंप्रेस कर दिया तुमने। क्या जवाब दिया? वाह। अच्छा, खैर पता चल गया तो बता भी दीजिए। देखो, ये पिया है और वो मानव है। दोनों की उम्र लगभग 19-20 साल और दोनों बड़े ड्रामाबाज हैं, बहुत ड्रामा करते हैं। एक मिनट, इतना सब कुछ कैसे पता चल गया आपको? कहीं फेंक तो नहीं रहे सर आप? तालू के कभी फेंकता नहीं है, है ना? जो बोलता है एकदम सच बोलता है। यकीन नहीं आ रहा तो देख लो, एक मिनट। ये पिया है और ये मानव है। फोटो होगा ना तुम्हारे पास, मैच करके देख सकते हो। लेकिन हाँ, ये तीसरा कौन है इसका अभी तक पता नहीं चला, लेकिन जल्दी पता चल जाएगा। मैं हूं ना। पूर्वी, इसकी फोटो लेके दया के पास भेज दो पंचकनी। अगर ये मानव और प्रिया के ही चेहरे हैं तो फिर ये तीसरा भी उसी कॉलेज में पढ़ता होगा, पीएनसी कॉलेज में। और कुछ बता सकते हैं आप? खून होने से पहले इन तीनों को मारा पीटा गया था और इनके बालों से पता चला है कि इन्हें ड्रग्स भी दिए गए थे। मैं पता कर दूं क्या? अभी नहीं, इतनी सारी इंफॉर्मेशन मैंने दी है, तुम्हारा काम तो आधा कर दिया लगभग। कहो तो ये भी पता कर दूं। हाँ डॉक्टर साहब, हमें भी बताइए ना, आपको ये सब कैसे पता चला? ये राज की बात है और राज को राज ही रहने देना चाहिए। ठीक है, आप अपने राज को राज ही रहने दीजिए, हम लोग पता लगा लेंगे। अरे दया ने बताया मुझे। दया का फोन आया था, उसने बताई ये राज की बात मुझे। दया ने मुझे बताया बिना पहले सारुंके साहब और तारिका जी को बता दिया। सब मिले हुए आपका तो मैं समझ सकता हूं, आपका तो बड़ा स्नेह है मेरे ऊपर, लेकिन तुम तो सर, आपने हमें जो फोटो दिखाई थी ना, वो सत्या की है। सत्या हमारे कॉलेज में पढ़ता था। आई आई, ये रहा सत्या का लॉकर। ये देखिए स्टोरी बोर्ड्स, ये तो फिल्म बनाने के लिए काम आता है। सत्या हमारे कॉलेज से फिल्म मेकिंग का ही कोर्स कर रहा था। वाह सर, ये तो सी नाटक का स्टोरी लाइन लग रहा है। शैतानी जंगल, ये सत्या इस नाटक पे फिल्म बनाने वाला था क्या? जी हाँ, सत्या, मानव, के पिया, ये सब प्ले पे फिल्म बनाने की कोशिश कर रहे थे। फिल्म बनाने के लिए पैसे कहाँ से हैं उनके पास? पैसे तो नहीं थे उनके पास,
लेकिन वो कोशिश जरूर कर रहे थे। लेकिन सर केके और दीपिका ने इसके बारे में हमें कभी कुछ बताया नहीं। कुछ गड़बड़ तो है, ऐसा लगता है कि ये फिल्म कोई और ही बना रहा है। इस दीपिका और केके फोन लगाओ। सर दीपिका का फोन बंद आ रहा है। अच्छा सर, केके का फोन भी नॉट रीचेबल है। ये दोनों रहते कहां पर हैं? हॉस्टल में ही। हॉस्टल में फोन लगाओ। हेलो। हाँ केके और दीपिका से बात कराइए। हाँ क्या हुआ? वो दोनों मुंबई गए। दोनों साथ में गए मुंबई? जी हाँ। अचानक दोनों साथ में गए मुंबई? दोनों की जान को खतरा हो सकता है। सचिन एक काम करो, ब्यूरो में फोन करो और पता करने को कहो कि मुंबई का कोई फाइनेंसर इस नाटक पे फिल्म बनाने वाला है क्या। हाँ ओके या थैंक यू वेरी मच। क्या पता चला? सर एक फाइनेंसर है जो ठीक उसी तरीके के प्ले में पैसा लगाने वाला है। धनराज नाम है उसका, लेकिन अभी घर पे है नहीं। कहाँ गया है? सर ये तो पता नहीं चल रहा, लेकिन इसका फोन नंबर ले लिया हमने। रेडी? देखो सर, ट्रैक करो इस नंबर को, देखो कहाँ पर है। यस सर। खोजगुड़ी के जंगल में? सर वो केके और दीपिका का भी तो फोन खोजगुड़ी के जंगल में ही मिला था। अच्छा खोजगुड़ी का जंगल। क्या चल रहा है यहाँ पे? क्या रहा है यहाँ पे? पहले ये बताइए कि आप लोग कौन हैं और ये सब क्या है? हम लोग सीआईडी से हैं, तुम बताओ तुम कौन हो? ओके सर, ओके ओके। एक्चुअली सर मैं फिल्म फाइनेंसर धनराज हूँ। धनराज? मुझे यहाँ इसलिए बुलाया था कि इस फिल्म की शूटिंग को देखकर मैं इसके लिए फाइनेंस करूँ। ये देखिए सर शूटिंग चल रही। शूटिंग वूटिंग नहीं चल रही है, जान खतरे में किसी की। व्हाट? बचाओ बचाओ, कोई है? इधर नहीं, इधर बचाओ बचाओ, कहीं कहीं आसपास है, देखो कोई है? बचाओ। Thank you.
हमें छोड़ दो, हमें मत मारो। कौन हो तुम? क्यों मारना चाहते हो तुम हमें? नहीं, हमें मत मारो। दीपिका, चलो इस साइड से भागते। हमें किसी भी हालत में ऐसे निकलना होगा। कौन हो तुम? मारना चाहते हो? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? प्लीज हमें जाने दो। प्लीज छोड़ दो हमें। प्लीज हमें जाने दो। हमें मत मारो। जाने दो प्लीज। प्लीज नहीं। प्लीज हमें छोड़ दो प्लीज। मत मारो हमें। मत मारो हमें। हट हो गई तेरी भूत गिरी। तू है क्यों कर रहे हो सब तुम? मैं कॉलेज के प्ले पे कैसी डरावनी फिल्म बनाना चाहता था जो बिल्कुल सच लगे। फिल्म के कैरेक्टर्स को सच में मौत का डर और खौफ दिखाना चाहता था। इसलिए तुमने अपने ड्रामा टीम वालों को मार के उनके खून का वीडियो बनाया। हाँ, कुछ पाने का जुनून हो तो कुछ खोना पड़ता है ना सर। और इसलिए तुमने पिया और मानव को मार दिया। हाँ, और वो सत्या, उनको बचाने की कोशिश में वो भी मारा गया। राज, केके और दीपिका, इन दोनों को लालच दिया कि हमें फाइनेंसर मिल गया। अब मेरा फिल्म बनाने का सपना कभी पूरा नहीं होगा ना सर। दिमाग खराब है तुम्हारा, इलाज की जरूरत है तुम्हें। सच और सपने में फर्क नहीं कर पा रहे हो तुम। बेगुनाह लोगों का खून किया है तुमने। तुम्हारे साथ क्या किया जाए इसका फैसला अब कानून करेगा। सर, डीसीपी साहब को ढूंढने निकले थे, बीच में सब कुछ हो गया, लेकिन अब तक डीसीपी साहब नहीं मिले। हाँ, उनको ढूंढना पड़ेगा। केक और तुम तो डीसीपी साहब का है। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।